नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMF न्यूज़। इसमें जो तस्वीरें देख रहे हैं मिनी सेक्रेटरीट हिसार की, जहां पे आपको कुछ महिलाएं धरने पे बैठी नज़र आ रही हैं। क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, और पदाधिकारी भी आपको नज़र आ रहे हैं यहां पे, जिनको ज्ञापन देते हुए ये महिलाएं नज़र आ रही हैं। बता दें कि एक पोस्को एक्ट का मामला सामने आया, जिसको लेकर के महिलाएँ लगातार जो है मांग कर रही है, और बाकी आप सुन सकते हैं पूरा मामला क्या है। तस्वीरें इस समय जनवादी महिला समिति की जो मीटिंग यहां पे चल रही है। यहां पे बता दें एक मामले को लेकर के जनवादी महिला समिति जो है लघु सचिवालय हिसार पे धरना दिया था, और एक अधिकारी ने इनका ज्ञापन भी लिया। इनसे बातचीत करें। नमस्कार जाखड़ साहब। जाखड़ जी नमस्कार। हाँ बताइए जी, क्या कहना है, जो आपने ज्ञापन दिया है और कौन अधिकारी आकर के आपका ज्ञापन लिया गया? आज हमने ये जो धरना लगाया था जनवादी महिला समिति और पीड़ित परिवार ने, जो महिला थाने में दर्ज मुकदमा है 7/11 का पोक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज है, ये अभी हमें 28 को पता चला कि खारिज कर दिया, जिसके रोष में आज धरना लगाया था। हम 11 बजे से यहाँ बैठे थे, और क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें बड़े अधिकारी पुलिस की भी एक तरह से संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना है इसके अंदर, वो चाहे प्रभाव का, पैसे का, या अपनी महिला विरोधी मानसिकता का हो सकता है, ये जो भी है, तो उनके ख़िलाफ़ हमने यहाँ की जो DC हैं वो महिला हैं, और हम ये है कि भी कम से कम जहाँ भी सिटी मजिस्ट्रेट भी महिला हैं, इनको तो कम से कम समझना पड़ेगा और न्याय दिलवाना पड़ेगा, और इनकी जो मोटी चमड़ी होगी है पुलिस वालों की, इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि ऐसे सेंसिटिव मामले में भी ये इतने जल्दी मुकदमा खारिज करते हैं। ये सुनीता जो ये पीड़ित परिवार है, ये कहते हमें बुलाते तो सूर्यामण सामने, हमें आज तक नहीं बुलाया, इनको नहीं पता, ये तो हम उस दिन 28 को नहीं जाते तो अभी तक तो ये तो घूम ही रहे थे। तो ये जो खाई उसके रोष में ये धरना था, अभी हम DC मैडम से मिलना था। DC मैडम हम सुबह से कह रहे हैं कि यहाँ कोई व्यस्त हैं अपने प्रशासनिक काम से, सरकार के काम से, इसलिए अभी ये CID वालों ने सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को बुलाया था, उनको हमने जनवादी महिला समिति की तरफ से भी अपना ज्ञापन दिया है, इस मामले में भी दिया है, दूसरे मामलों में भी दिया है, जो पहले भी हम देते रहे हैं कि पुलिस का सेंसिटाइजेशन करिए, महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा का प्रबंध करिए, नशाखोरी पर रोक लगाइए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, ये तमाम चीज़ें हमने अपने ज्ञापन में लिख के दी है। क्या आश्वासन मिला? दूसरा, इस पीड़ित परिवार ने भी अपनी जो एप्लीकेशन IG को दी थी वो DC के भी संज्ञान में अभी दी है, तो हमने IS लेवल का कोई अधिकारी जो सेंसिटिव है, थोड़ा संवेदनशील है, उससे जांच करा के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया। अभी सिटी मजिस्ट्रेट ने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने ये दिया है कि हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, और हम अनेकों बार आए हैं, चाहे वो राशन के मामले में आए हैं, चाहे अनेकों मामले में आते हैं, तो यहाँ की DC महोदया जी को महिला प्रश्नों पर फुर्सत नहीं है। वैसे ये सेमिनार करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, कोई कार्यशाला करके इतना ये दिखावा खूब करते हैं, लेकिन हम इतने बार बार बात कर चुके हैं, यहाँ पर कभी फुर्सत नहीं होती उनको हमारे से बात करने की, जो महिला प्रश्नों पर। तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट मैडम को कहा है कि आप मैडम से हमारी बातचीत करवाइए, आप एक मीटिंग करवाइए। अब वो कितना करती कितना नहीं, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी, और हमने ये भी कहा है कि हर बार कभी भी फोन नहीं आता कि हम संपर्क नहीं, आप कहेंगे तो सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने ये कहा है कि मैं आपको फ़ोन करूंगी और मैं जल्दी हम मैडम से आपकी बात भी करवाएंगे, इस मामले में भी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे, और दूसरे मामलों पर भी रोक लगे इस पर भी हम काम करेंगे, यही आश्वासन दिलाया है। देखते हैं क्या होता है, करते हैं ठीक है, नहीं हमारे पास तो वही है कि भाई गुंडागर्दी का एक जवाब, जनता की एकता जिंदाबाद। आज ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी इस मामले में आई, सभी महिलाएं, जब ये पीड़ित परिवार अपनी बात रख रहा था सभी महिलाएं भावुक हो चुकी थी, लेकिन DSP साहब की तो इतनी मोटी चमड़ी है कि वो वीडियो तक डालते हैं कि केस झूठा है, वो कैसे कह सकते हैं ऐसे छोटे मामले में। अभी मीडिया वाले भी सुबह पूछ रहे थे कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत कर सकता है, माँ क्या कोई बेटी अपने बाप पर ऐसा आरोप लगा सकती है? अनेकों केस हैं भाई द्वारा, बाप द्वारा, जो कि बाहर ही नहीं आते, आने ही नहीं देते। पहली बात तो वो पीड़ित और परिवार ही मत नहीं करता, करता है तो बहुत तरह के दबाव होते हैं और उल्टा उन्हीं को ही मार दिया जाता है। ऐसे कई मामले संज्ञान में हैं जो कि हिम्मत नहीं करते,
इस मामले में भी कोशिश की है कि भाई लड़की ने मार दो, जबकि लड़की का कसूर नहीं है और लड़की को ही मार दो। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि नहीं तो ये जल्दी इनको न्याय मिले और इनको दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, किसी को भी ना खानी पड़े और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। ये सेंसिटाइजेशन यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है और ये सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ढोंग बंद करे, कम से कम बेटियों की सुरक्षा का प्रबंध करे। जो निर्भया फंड है, हमेशा आप RTI लगा के जानकारी ले लीजिए कि हर साल का निर्भया फंड वापसी चला जाता है। ऐसे मौके पे ये काम करती थी, इसका बिचारी का काम घर बार सब छूट गया है। अब ये शरण अपने बाप के घर लिए हुए, जिसके साथ 3 बच्चे भी हैं, उस दिन से रोज़ आते हैं, किराया भाड़ा तमाम खर्चे भी लगते हैं, गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। ऐसे मामलों में भी वो बजट का करेंगे क्या कि वो बजट में बिना मांगे, हम कोई भीख नहीं है कि हमने अपने उसमें तो लिखा है कि उसमें से इनकी मदद की जाए, लेकिन भीख नहीं है, ये उसका राइट है और सरकार की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, वो भी इनकी मदद की जानी चाहिए ताकि न्याय के लिए कोई लड़ सके, हिम्मत कर सके। धन्यवाद।